हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रोटेस्ट करना लोगों का एक डेमोक्रेटिक अधिकार है, जब तक कि वो कानून नहीं तोड़ते, कुछ हिंसा पर नहीं उतरते। किसी भी व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है प्रोटेस्ट करना, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर बाकी आम आदमियों की जिंदगी में अगर वो कोई बाधा नहीं बनता है तो लोगों का हम अधिकार से वंचित नहीं करना चाहेंगे, अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन उनसे अपील यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, कानूनी तरीके से अपने राइट को एक्सरसाइज। मैं एग्जामिन करूंगा, डिटेल मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा मैंने कहा है प्रोटेस्ट करना किसी का अधिकार है, लेकिन कानून को तोड़ना किसी का भी अधिकार नहीं है। तो कानून के दायरे में रहते हुए जो प्रोटेस्ट करेंगे उसके बारे में उनके साथ हुआ है उसको जारी रखा। प्रोटेस्ट करना लोगों का एक डेमोक्रेटिक अधिकार है, जब तक कि वो कानून नहीं तोड़ते, कुछ हिंसा पर नहीं उतरते। किसी भी व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है प्रोटेस्ट करना, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर बाकी आम आदमियों की जिंदगी में अगर वो कोई बाधा नहीं बनता है तो लोगों का हम अधिकार से वंचित नहीं करना चाहेंगे, अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन उनसे अपील यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, कानूनी तरीके से अपने राइट को एक्सरसाइज। मैं एग्जामिन करूंगा, डिटेल मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा मैंने कहा है प्रोटेस्ट करना किसी का अधिकार है, लेकिन कानून को तोड़ना किसी का भी अधिकार नहीं है। तो कानून के दायरे में रहते हुए जो प्रोटेस्ट करेंगे उसके बारे में उनके साथ हुआ है उसको जारी रखा। प्रोटेस्ट करना लोगों का एक डेमोक्रेटिक अधिकार है, जब तक कि वो कानून नहीं तोड़ते, कुछ हिंसा पर नहीं उतरते। किसी भी व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है प्रोटेस्ट करना, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर बाकी आम आदमियों की जिंदगी में अगर वो कोई बाधा नहीं बनता है तो लोगों का हम अधिकार से वंचित नहीं करना चाहेंगे, अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन उनसे अपील यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, कानूनी तरीके से अपने राइट को एक्सरसाइज। मैं एग्जामिन करूंगा, डिटेल मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा मैंने कहा है प्रोटेस्ट करना किसी का अधिकार है, लेकिन कानून को तोड़ना किसी का भी अधिकार नहीं है। तो कानून के दायरे में रहते हुए जो प्रोटेस्ट करेंगे उसके बारे में उनके साथ जो मैं अलर्ट्स के बारे में भी जानकारी देना चाहूंगा, और उसके बारे में जो भी चैलेंजेस हैं उसको किस प्रकार से अभी तक संभाला है मुंबई पुलिस ने, आगे क्या कार्रवाई करनी है, मेरी टीम से कंसल्ट करते हुए आवश्यक कार्रवाई होगी। मुंबई आई थिंक स्ट्रीट क्राइम वाइज दुनिया के सबसे सेफ शहरों में से गिना जाता है, भारत की नहीं दुनिया के सबसे जो अधिक सेफ शहर है उसमें माना जाता है। जो कुछ थोड़े बहुत चेन स्नैचिंग या इस प्रकार के गुने होते हैं उनको भी कर्व किया जाएगा, रोड रॉबरीज या बैग स्नैचिंग के कुछ गुने होते हैं उन्हें कर्व किया जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि मुंबई की स्ट्रीट अनसेफ है, मुंबई दुनिया के सबसे सेफ शहरों में से एक शहर माना जाता है। सर, जिस तरह से आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं, पुलिस का आधा समय जो है वो बंदोबस्त पर चला जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन पर भी फोकस रहे उसको लेकर क्या करें? तो लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा इन्वेस्टिगेशन से सेपरेट करना, तो ये तो एफर्ट पहले से जारी है। लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए कुछ सेपरेट हर पुलिस स्टेशन में स्टाफ भी, इंस्पेक्टर रैंक का भी अधिकारी दिया जाता है, क्राइम के लिए अलग अधिकारी दिया जाता है। और ऐसी कोशिश की जाएगी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो ड्यूटी है उसका असर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन पर ना पड़े। जिस प्रकार से हमको इंस्पेक्शन गवर्नमेंट से मिलेंगी उस प्रकार से कार्य किया जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि हमें कोई सर मराठी तुम चाहिए।